हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका होस्ट और दोस्त कुलबीर, और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपका अल्टरनेटर के ऊपर है कि आपका अल्टरनेटर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब आपको जो अल्टरनेटर है वो बैटरी को चार्जिंग करंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो इसी के ऊपर आज का वीडियो है। और जो आपका अल्टरनेटर है वो डीसी करंट बनाता है, और डीसी सारा जो आपके एसेसरीज है कार के सारे डीसी ही चलाता है, तो डीसी करंट ही आपकी सारी गाड़ी की जो एसेसरीज है वो चलाता है। तो आओ शुरू करते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक डिजिटल मल्टीमीटर, जो मार्केट के अंदर 250 या 220 रुपीज़ के अप्रोक्स आपको मिल जाएगा। और इसमें कुछ नहीं करना होता है आपको, जो ये वाला ये आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा एरो, इसको आपको 20 वोल्ट पे करना है। ये आपका 20 वोल्ट पे हो चुका है, तो आपको 20 वोल्ट पे हो गया है। तो ये थोड़ी इसमें कुछ इरर आ रहा है, तो 0.21 दिखा रहा है, मैं आपको कुछ दिखा दूंगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नया खरीदते हो तो ये 0.00 करके यहाँ पे बोर्ड दिखाएगा। ये आपका पूरा डीसी का है, और ये वाला इस साइड का आपका एसी का है। खैर, आपको कोई मतलब नहीं है इससे, आपको सिर्फ डीसी का करंट चेक करना है। तो ये 20 वोल्ट तक है। आपकी जो कार होती है उसमें 12 वोल्ट की बैटरी होती है, तो इसके लिए ही आपको यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें आप 20 वोल्ट तक देख सकते हैं। तो अब मैं आपको आगे पहले आपको नॉर्मल दिखाता हूँ कि आपको नॉर्मल कितना करंट है आपकी कार की बैटरी में, और फिर जब आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपका अल्टरनेटर करंट बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो फिर आपका जो करंट है वो 12 वोल्ट से 13-14 वोल्ट तक जाता है। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने गाड़ी का आपका हुड खोल दिया है, और ये आपकी बैटरी रही अंडर द हुड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ये रेड वाला ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये वाला आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो आपको इन टर्मिनलों पे चेक करना है। तो इसके लिए आपको जो ये रेड वायर है मल्टीमीटर की, ये रेड वायर, इसको आपको रेड पे लगाना है। यहाँ पे इस प्रकार से टच करना है आपको, और हो सके तो अगर थोड़ी टाइट हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। इस प्रकार से आप इसको यहाँ पे टच करें, और टच कराने के बाद जो आपका ये पॉजिटिव वाला है उसको भी आप यहाँ पे रखते हैं। तो अब आपका जो मल्टीमीटर है वो 12.32 वोल्ट दिखा रहा है। अब मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। मैंने की लगा दी है, उसके बाद गाड़ी न्यूट्रल चेक करने के बाद कार को मैं स्टार्ट कर दूंगा। अब आपकी कार स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे अब यहाँ पे 13.72 या 75 के आसपास है। अब मैं गाड़ी को आपकी थोड़ी गाड़ी जो आपकी रेस है या एक्सेलरेशन बढ़ा दूंगा थोड़ी, उसके बाद आपका जो ये करंट है थोड़ी और आगे इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे 80, 84, 85 तक करंट जा रहा है, हल्के हल्के रेस बढ़ा रहे हैं। देखो 85, 86 तक जा रहा है आपका करंट। इस प्रकार से दोस्तों आपको ये करंट चेक करना है। अब अगर मैं कार को ऑफ कर देता हूँ, इसका इंजन ऑफ कर देता हूँ, तो इसके बाद आपको जो वोल्टेज है वो 13.85 से आपका 12 वोल्ट के अप्रोक्स आ जाएगा। तो दोस्तों, आप इंजन ऑफ होने के बाद आप देख पा रहे होंगे 12.92, 90, और इसके बाद आपका वोल्टेज हर और ड्रॉप हो जाएगा, मतलब इससे आपका वोल्टेज और कम दिखाएगा। और जब आपका चार्जिंग शुरू होगा तो 13.85-84 के आसपास आपका जो चार्जिंग करंट होगा वो दिखाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपका अल्टरनेटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।
है, गुड बाय।